कुआतला गांव में नवरात्रि के पर्व पर देवी जी को विराजमान कराया गया है, जहां आस्था का केंद्र बना है। जब पर्व नवरात्रि का हो तो भक्तों के उत्साह का कहना ही क्या है। आज नवरात्रि के चौथे दिन भी माता की पूजा अर्चना की गई है। देश भर के साथ ललितपुर जिले में भी उत्साह और भक्तिपूर्ण माहौल में बनाए जाने वाले नवरात्रि उत्सव का 26 सितंबर से शुरुआत हो गई है। आगामी दशहरा पर्व तक शहर और गांव में नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित करने के बाद सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। सुबह से लेकर देर शाम तक कुआतला गांव और शहर में विभिन्न सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव पर दुर्गा देवी की स्थापना की गई है। 26 सितंबर से सुबह से ही दुर्गा देवी के भक्तों द्वारा उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण में विभिन्न झांकियां का प्रदर्शन और गुलाल उधेड़ते हुए स्थापना की गई। इस अवसर पर कुआतला गांव में भी नवरात्रि के चौथे दिन आरतियों महापूजा का आयोजन किया गया। बताते चले कि कोरोना काल के 2 साल बाद इस वर्ष भी भक्तिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। दुर्गा महारानी की, बोलंबे माता की, बोल जगदम्बा माई की, बोल राम राजा सरकार की, बोल लक्ष्मण जू की, बोल कक्का कन्हैया लाल की, बोल बजरंग बली की, बोल शंकर भगवान ठाकुर है। ललितपुर जिला में ग्राम कुआतला है और यहाँ पे आज नवरात्रि का चौथा दिन है। तो यहाँ पे ग्राम कुआतला में नवरात्रि रखवाई है देवी जी। और आज हमारा नाम हर्ष प्रताप सिंह है, इनका नाम अक्षय प्रताप सिंह है और हम लोग ग्राम कुआतला से हैं। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं ने मिलके देवी जी का देवी जी को रखा हुआ है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इसके इसमें श्रद्धालुओं के आप जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लोग आ रहे हैं और आज चौथे दिन हम लोगों ने भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजित किया है। Hey, Mother.